ओके, आप लोगों को सेंसिटिविटी मिल गया है और आप लोग तो इसके लिए ही आए हो ना, तो जाओ जल्दी जाओ, हेडशॉट मारो। और जाते जाते ये भी सुन लो, आप लोगों का इन्हीं करतूतों के वजह से आप लोगों का हेडशॉट प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। और अगर आपको सच्ची में हेडशॉट मारना है तो वीडियो के एंड तक बने रहो, मैं आपको बेस्ट सेंसिटिविटी बताऊंगा आपके फोन के अकॉर्डिंग। तो देखो भाई लोग, सेंसिटिविटी सिलेक्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा सेंसिटिविटी का काम क्या है। तो पहले बात करते हैं जनरल के बारे में। तो देखो भाई लोग, जनरल हमारा मूवमेंट को फास्ट करता है और साथ में रिएक्शन एंड ड्रैग स्पीड को भी फास्ट करता है, जैसा कि आप लोग स्किन के ऊपर देख सकते हो। तो अभी बात करते हैं रेड डॉट के बारे में। तो आप लोग एक चीज नोटिस करना, आपका एम जब एनिमी के बॉडी के ऊपर लॉक हो जाता है उस टाइम आपका एम रेड हो जाता है, तो इसको ही रेड डॉट बोलते हैं। तो अभी बात करते हैं 2x4xn स्नाइपर स्कोप के बारे में। तो देखो भाई लोग, इन तीनों का काम सेम है। जब आप लोग आपका स्कोप ऑन करोगे उस टाइम आपका स्कोप का मूवमेंट फर्स्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अभी बात करते हैं फ्री लुक के बारे में। तो आप लोग स्किन के ऊपर जो चीज देख रहे हो इसको ही फ्री लुक बोलते हैं, और इसका काम है आपको रनिंग करते हुए या मूवमेंट करते हुए चारों तरफ का नजारा दिखाना कुछ इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को सेंसिटिविटी के बारे में पूरा पूरा नॉलेज मिल चुका है, और इनको आप लोग जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा आपका गेम प्ले अच्छा होगा, और इनको आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। और अगर आपका फिर भी हेडशॉट नहीं लगता है तो मैं खुद लाइव पर आकर आपका गेम प्ले देखूंगा और आपके फोन के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सेंसिटिविटी बताऊंगा। और इसके लिए आपको इस वीडियो में 1K लाइक कंप्लीट करना पड़ेगा, आई होप आप लोग कर दोगे।